टाटा कंपनी द्वारा मंडी परिसर में सड़कें खोदकर छोड़ दी गई थी। आगामी सोयाबीन की बंपर आवक को देखते हुए मंडी प्रशासन ने सड़कों को ठीक करवाया है। मंडी प्रशासन द्वारा टाटा कंपनी द्वारा मंडी परिसर में खोदी गई सड़कों को रिपेयर कराया गया है। साथ ही आगामी सीजन को देखते हुए नए अधिकारियों को मंडी प्रांगण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल टाटा द्वारा सीवरेज लाइन डालने के दौरान मंडी परिसर की अधिकतर सड़कों को खोदा गया था और इसके कारण सड़कें अस्त व्यस्त हो गई थी। टाटा द्वारा उनका रिपेयर भी नहीं किया गया था। आगामी सोयाबीन के सीजन को देखते हुए मंडी प्रशासन के सचिव उमेश शर्मा ने खराब सड़कों पर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनवाई है ताकि किसानों और व्यापारियों को माल लाने ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही मंडी प्रांगण के लिए दीपक श्रीवास्तव को प्रभारी बनाया गया है ताकि नीलामी के दौरान होने वाली व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से संचालित किया जा सके। जी हाँ, इसमें हमारे जो टोल कांटे हैं उसके आसपास काफ़ी गड्ढे हो गए थे जिसको टाटा कंसल्टेंसी रोड में आधे अधूरे काम छोड़कर चली गई, जिससे हमारे मंडी की सारी रोड ध्वस्त हो गई थी। उनको रिपेयर कराया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों की जो ड्यूटी है सीजन में उनका युक्तिकरण किया गया है। श्री दीपक श्रीवास्तव को सहायक प्रभारी मंडी नया बनाया गया है और श्री महेंद्र जैन और नए प्रभारी के रूप में श्री प्रीतम सिंह जी चौधरी रहेंगे।